हे गाइस, मेरे चैनल बेट इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं आज देने वाला हूँ हैदराबाद रेस टिप्स जो है 4 दिसंबर को। तो फर्स्ट रेस स्टार्ट होता है 1:15 PM और टोटल ऑफ 7 रेसेस है। तो मैं टिप्स के साथ न्यूमोलॉजिकल टिप्स और हैंडीकैप टिप्स दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपको न्यूमोलॉजी में यकीन है तो आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट रेस है द फ्लाइंग ट्रेजर प्लेट जो है 1100 मीटर्स और ये मेडन हॉर्सेस के लिए है। तो इसमें न्यूमोलॉजिकल के अंदर हॉर्स नंबर 1 एनिमॉय, हॉर्स नंबर 2 डिक्टेटर, हॉर्स नंबर 3 इन प्रोस्पर्सिटो, हॉर्स नंबर 4 प्रिंस, हॉर्स नंबर 5 एम्बोसिली, हॉर्स नंबर 8 एनआरए नॉर्थ पावर आते हैं न्यूमोलॉजिकल टिप्स के अंदर। हैंडीकैप के अनुसार मुझे हॉर्स नंबर 5 एम्बोसिली पसंद है जो चलाने वाले हैं पी ट्रेवर। सभी घोड़ों का फर्स्ट रेस है सिवाय एक छोड़ के। ये घोड़ा ट्रायल्स में अच्छा कर रहा है और ट्रेवर के साथ जीतने का चांस ऑलमोस्ट 80-85% है। तो चलो बढ़ते हैं सेकेंड रेस की तरफ। सेकेंड रेस है द ओस्मान सागर कप डिवीजन 2 जो है 1400 मीटर्स रेस और ये क्लास 3 रेस है। और न्यूमरोलॉजिकल के अनुसार हॉर्स नंबर 2 मार्क मेडे, हॉर्स नंबर 4 सन डांसर, हॉर्स नंबर 5 गलवान आते हैं न्यूमरोलॉजिकल टिप्स के अंदर। और हैंडीकैप के अनुसार मुझे हॉर्स नंबर 1 मोरियर इनविक्टस पसंद है जो चलाने वाले हैं ए इमरान खान। लास्ट रेस घोड़े ने फोर्थ फिनिश किया था 1600 मीटर्स में और हायर क्लास में। डाउन द क्लास है और 200 मीटर्स भी कम भागना है। लास्ट रेस घोड़े ने ट्राई किया था पर लास्ट 600 मीटर्स में गिव अप किया था। अब ट्रायल्स में भी अच्छा कर रहे हैं और जीतने का चांसेस भी ऑलमोस्ट 90% है। तो चलो बढ़ते हैं थर्ड रेस की तरफ जो है द ब्रेव डांसर प्लेट। ये है 1200 मीटर्स रेस और फॉर हॉर्सेस 3 ईयर्स एंड अबव के लिए है। तो न्यूमोलॉजिकल के अनुसार हॉर्स नंबर 1 ब्लैक ऑनिक्स, हॉर्स नंबर 2 ब्रेर रिज, हॉर्स नंबर 4 अनसंग हीरो, हॉर्स नंबर 5 सी माई स्पार्क, हॉर्स नंबर 8 थैंक्स आते हैं न्यूमोलॉजिकल टिप्स के अंदर। हैंडीकैप के अनुसार मुझे हॉर्स नंबर 3 हाई रिवॉर्ड पसंद है जो चलाने वाले हैं आरएस जोधा। लास्ट रेस घोड़े ने गेट ओपन होने के साथ ही एक्सेलेट किया और लीड लिया था और वो लीड पूरे रेस तक बनाए रखा। वो भी सेम डिस्टेंस में स्टार्ट टू फिनिश भागा और इस सीजन का 3rd विन प्राप्त किया था। तो वो अभी भी सेम फॉर्म में है और इसको हराना थोड़ा मुश्किल होगा दूसरे घोड़ों के लिए। तो इसका जीतने का चांसेस ऑलमोस्ट 90% है। तो चलो बढ़ते हैं फोर्थ रेस की तरफ जो है द उस्मान सागर कप डिवीजन 1। ये 1400 मीटर्स का रेस है और एक क्लास 3 का रेस है। न्यूमोलॉजिकल के अनुसार हॉर्स नंबर 2 स्टनिंग फोर्स, हॉर्स नंबर 3 एनआरए स्पॉट, हॉर्स नंबर 4 डेस्पैंक, हॉर्स नंबर 5 डुअर डीर, हॉर्स नंबर 6 बेल्डोना, हॉर्स नंबर 7 इट्स ऑन, हॉर्स नंबर 8 स्टार रेजर आते हैं न्यूमोलॉजिकल टिप्स के अंदर। और हैंडीकैप के अनुसार मुझे हॉर्स नंबर 2 स्टनिंग फोर्स पसंद है जो चलाने वाले हैं अजय कुमार। इस घोड़े का लास्ट फ्यू रेसेस इग्नोर कीजिए, घोड़ा काफ़ी नीचे गिरा है रेटिंग और क्लास अनुसार। मुझे लगता है कि अब इस सेट के साथ इसका एक एडवांटेज है अपने आप को खोया हुआ रेटिंग वापस लेने के लिए। चलो बढ़ते हैं फिफ्थ रेस की तरफ जो है द क्रैक रेजिमेंट प्लेट। यह 1800 मीटर्स का रेस है और एक क्लास 4 रेस है। न्यूमोलॉजिकल के अनुसार हॉर्स नंबर 1 ग्रेट गिवर, हॉर्स नंबर 2 सेक्रेट बॉन्ड, हॉर्स नंबर 3 त्रिशूल, हॉर्स नंबर 5 फ्लैशिंग मेमोरीज, हॉर्स नंबर 7 करण जिंजी आते हैं न्यूमोलॉजिकल टिप्स के अंदर। और हैंडीकैप के अनुसार मुझे हॉर्स नंबर 3 पसंद है जो चलाने वाले हैं पी ट्रेवर। लास्ट रेस एज अ फेवरेट सेकेंड फिनिश किया था 1400 मीटर्स रेस में। अब हायर डिस्टेंस है और ट्रेवर के साथ ये दिन का अच्छा बेट हो सकता है। इस घोड़े का जीतने का चांस ऑलमोस्ट 90% है और ये मेरा देश बेस्ट बेट भी होगा। सिक्स रेस है द राजा नरसिम्हा राव मेमोरियल कप जो है 1200 मीटर्स और एक क्लास 3 का रेस है। न्यूमोलॉजिकल के अनुसार हॉर्स नंबर 2 द इनहेरिटर, हॉर्स नंबर 3 द ला मेरेज, हॉर्स नंबर 5 डिटेक्टिव, हॉर्स नंबर 7 ओनली माई वे आते हैं न्यूमोलॉजिकल टिप्स के अंदर। हैंडीकैप के अनुसार मुझे हॉर्स नंबर 1 कमांडिंग नाइट पसंद है जो चलाने वाले हैं पी साई कुमार। लास्ट रेस को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि एज अ फेवरेट फिफ्थ फिनिश किया था 1200 मीटर्स में और सेम क्लास में। अभी इस घोड़े का ट्रायल्स अच्छा लग रहा है और इसको हराना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो चलो बढ़ते हैं सेवन्थ रेस की तरफ जो है लास्ट रेस द सोलिटेयर प्लेट जो है 1400 मीटर्स और क्लास 5 रेस है। और न्यूमोलॉजिकल के अनुसार हॉर्स नंबर 2 कैंटबरी, हॉर्स नंबर 4 गुड टाइडिंग्स, हॉर्स नंबर 5 इंद्रधनुष, हॉर्स नंबर 6 ट्रैक ब्लेजर, हॉर्स नंबर 9 इट्स माई लाइफ, हॉर्स नंबर 10 ब्लू ब्रिगेड आते हैं न्यूमोलॉजिकल टिप्स के अंदर। हैंडीकैप के अनुसार हॉर्स नंबर 2 कैंटबरी पसंद है जो चलाने वाले हैं के मुकेश कुमार। ये एक फ्रंट रनर घोड़ा है और लास्ट रेस सेकंड फिनिश किया था 1200 मीटर्स रेस में। अब 200 मीटर्स ज़्यादा है ट्रैवल करने के लिए और इस घोड़े का चांस ऑलमोस्ट 80-85% जीतने के लिए। जो भी टिप्स मैंने शेयर किया हो ये मेरे कैलकुलेशन अनुसार है। खेलना या ना खेलना आपके ऊपर है, तो सोच समझ कर खेलिए। ज़्यादातर प्लेस खेलने के लिए कोशिश कीजिए क्योंकि प्लेस बेट सेफेस्ट बेट होता है। कमाएंगे कम पर हारेंगे भी कम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.